Dear friends, Assalamu alaikum. Welcome to Fairy Public Girls High School. 7th class, आज हम इम्तियाजी का लेक्चर नंबर 7 और लेसन नंबर 7 करेंगे. उसका टॉपिक है द यूज ऑफ हाउ. द यूज ऑफ हाउ. हाउ हम कितने के मायने में कैसे. हाउ कैसे, तुमने ये काम कैसे किया. हाउ डिड यू डू दिस. अब इसमें हम लोग हाउ के साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स प्रेपोजिशंस लगाएंगे जिसके साथ उनके मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे. वैसे सिंपली हाउ देखेंगे तो हाउ का मतलब होता है कैसे. फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, आप कैसे हैं. ये सिंपली हाउ था. हाउ का मतलब कैसे. हाउ आर यू, आप कैसे हैं. सेवन क्लास, ये डब्ल्यू एच फैमिली में से है. एच ओ डब्ल्यू, हाउ कैसे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये. कल हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन्स. हाउ, व्हाट, होम, वेयर, व्हेन, उन्हीं में से ये एक है हाउ. कल हम लोगों ने अकेला हाउ, हाउ मीन्स कैसे, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, कल हम लोगों ने हाउ पढ़ा था. आज हम लोग हाउ के साथ प्रेपोजिशंस लगा के उनके मीनिंग्स चेंज करके उनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे. अब इसमें सबसे पहले है हाउ कैसे, उसके बाद है हाउ टू. हम लोग इसको यूज़ करते हैं जानने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, डू यू नो हाउ टू रीड, क्या तुम्हें पता है कि कैसे लिखते हैं, या क्या तुम लिखना जानते हो. डू यू नो हाउ टू एम्ब्रॉयड्री, तुम्हें एम्ब्रॉयड्री आती है. अब हम लोग जानने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे हाउ टू. इसके एक एग्जाम्पल है, डू यू नो, हाउ टू राइट, तुम्हें लिखना आता है. मीन्स क्या तुम जानते हो कि कैसे लिखना है. जानने के लिए हाउ टू यूज किया हम लोगों ने. उसके बाद है हाउ मच, सेवन क्लास, हाउ मच हम यूज करेंगे कितने और वजन और मिकदार के लिए. वजन या मिकदार, मैं कहती हूँ कि इस जग में कितना दूध है, हम लोग उसकी मिकदार या उसका वजन वेट देखेंगे. हाउ मच मिल्क, इज देयर इन दिस जग. अब जग में हम लोगों ने दूध की मिकदार को, दूध के वेट को फाइंड करना था, तो इसलिए हम लोगों ने यूज़ किया है हाउ मच. हाउ मच यूज़ करते हैं कितने और मिकदार या वजन के लिए. उसके बाद आएगा हाउ मैनी, हाउ मैनी तादाद के लिए, गिनती. कितनी तादाद है, या हम लोग कितने रुपए, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कितने रुपए लाए हो. हाउ मैनी रुपी हैव यू ब्रॉट. अब हाउ मैनी कितनी तादाद है, हम लोग रुपयों को गिनती में गिनते हैं कि 1, 2, 3 और 4. उसके बाद है हाउ फार, ये भी कितनी या कितने, और इसको हम लोग करेंगे फासले के लिए. तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है, या तुम्हारा घर कितनी कितने फासले पर है, उसके लिए हम लोग करेंगे हाउ फार.
How far is your school? School. तुम्हारा स्कूल कितना दूर है फ्रॉम हियर यहाँ से? अब फासले के लिए हम लोगों ने हाउ फार, उसके बाद है सेवन प्लस हाउ लॉन्ग, ये कितने और ये अरसे के लिए यूज करेंगे हम, टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए हम लोग यूज करेंगे हाउ लॉन्ग। तुम कब से पढ़ रहे हो या तुम कितनी देर सोते हो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे हाउ फार, क्योंकि इसमें हमारा टाइम पीरियड आ रहा है कि कितनी देर, उसके लिए हम लोग करेंगे हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप, तुम कितनी देर सोते हो। अब ये तो एग्जांपल्स हैं जिसमें हम लोगों ने हाउ मैनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ टू और हाउ मच को यूज़ किया। अब इसमें से हम लोग इम्तियाजी में से कुछ सेंटेंसेस करते हैं। सेवन क्लास एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हाउ कैसे, हाउ टू जानने के लिए, हाउ मच कितने वज़न और मिकदार के लिए, हाउ मैनी कितने ये हम लोग काउंटिंग के लिए, गिनती के लिए इस्तेमाल करेंगे, हाउ फार डिस्टेंस के लिए, हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, टाइम पीरियड के लिए। अब हम लोग सेवन क्लास इसकी एक्सरसाइज में से कुछ वो करते हैं सेंटेंसेस। क्या तुम्हें गाना आता है? अब देखिए ये जानने के लिए है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डू यू नो, क्या तुम जानते हो। हाउ टू सिंग, कैसे गाते हैं, या क्या तुम जानते हो कैसे गाना है, इसको सिंपल वर्डिंग में हम लोग बोलेंगे, लेकिन जब हम लोग इसको उर्दू से ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें लिखेंगे क्या तुम्हें गाना आता है। उसके बाद ही अब तुम कैसे महसूस कर रहे हो, इसमें अब तुम कैसा, कैसा के लिए ओनली हाउ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। अब एट क्लास हम लोगों ने किसी में आईएनजी लगाया और हेल्पिंग वर्ब लगाई, इसमें हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है और साथ में डू लगाया है। सेवन क्लास हम लोगों ने टेंसेस किए हुए हैं, सिक्स में भी किए हैं और इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं। हम लोग इसका लास्ट देखते हैं, इसके एंड पे आया है तेलिफ्ता, मीन्स ये प्रेजेंट इनडेफिनेट है। इसलिए हम लोगों ने प्रेजेंट इनडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब लगाई डू। अब डू क्यों लगाया, क्योंकि ये इंट्रोक्टिव है, इंट्रोक्टिव में डू और डस को यूज करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोक्टिव में इसमें आई वी दे यू के साथ डू और प्लूरल के साथ ई शीट और सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हम लोगों ने क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का था डू लगाया, डू यू नो हाउ टू सिंग। अब ये देखें, रहा है, रही है, रहे हैं, ये हमारा कॉन्टिन्यूस होते हैं। अब कॉन्टिन्यूस चूंकि ये प्रेजेंट है इसलिए इसके साथ हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगा देंगे। सेवन क्लास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का इजाफा करते हैं। अकॉर्डिंग टू टेंस हम लोगों ने अपनी हेल्पिंग वर्ब्स और अपनी वर्ब के फॉर्म्स या उसके साथ आई एन जी का इजाफा अकॉर्डिंग टू टेंसेस करते जाना है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कौन सा आता है, नेक्स्ट है वो कितनी देर तक इंतजार कर सकती है। अब देखिए कितनी देर आ गया, टाइम पीरियड आ गया, तो टाइम पीरियड के लिए हम लोगों ने पढ़ा था हाउ
लॉन्ग, कितनी देर, कैन। अब इसमें कैन क्यों लगाया, क्योंकि सकता या सकती, एबिलिटी शो हो रही है। हाउ लॉन्ग कैन शी वेट, उसके बाद है साल में कितने महीने होते हैं। अब कितने और ये तादाद है, गिनती है, तो इसके साथ हम लोग लगाएंगे हाउ मैनी, हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। सेवन क्लास, आज इसको हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द यूज ऑफ एडजेक्टिव, ये है सेवन एट वाला चैप्टर, द यूज ऑफ एडजेक्टिव। हम लोगों ने सिक्स में भी पढ़ा है, फिफ्थ में भी, थ्री क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। व्हाट इज एडजेक्टिव, इसम सिफ्त, किसी भी नाउन की अच्छाई या बुराई को जब हम बयान करते हैं उसके लिए वर्ड्स यूज करेंगे, उसको बोलेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स हम लोग करेंगे वो अच्छी लड़की है, वो बहादुर लड़का है। अब लड़की के लिए हम लोगों ने अच्छे यूज़ कर लिया, लड़के के लिए बहादुर यूज़ कर लिया। अब ये लड़की की एडजेक्टिव है, अच्छाई है कि वो अच्छी है, और लड़के की एडजेक्टिव है कि वो बहादुर है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड है जो हमारे नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, मीन्स उसकी अच्छी या बुरी बात बताए, तो हम इस वर्ड को बोलेंगे एडजेक्टिव। अब हम लोग एडजेक्टिव्स को कुछ सेंटेंसेस में यूज करते हैं। कच्चा आम मीठा नहीं होता, अब सेवन क्लास देखें, कच्चा आम, आम क्या है, नाउन, नाउन के एडजेक्टिव है कि वो कच्चा है। द अनराइप मैंगो इज नॉट स्वीट। उसके बाद है वो एक काबिल उस्ताद है, ही भी लिख सकते हैं और शी भी लिख सकते हैं। ही इज एन एबल टीचर। वो मेहनती नहीं है, अब ज्यादा लोग हैं तो दे आर नॉट हार्ड वर्किंग। सेवन क्लास देखें, इसमें आम के एडजेक्टिव के वो कच्चा है, इसमें उस्ताद के एडजेक्टिव के वो काबिल है, इसमें उन सब लोगों के एडजेक्टिव है कि वो एडजेक्टिव नहीं है कि वो मेहनती नहीं है। इसमें हम लोग एडजेक्टिव इसम सिफ्त तो यूज़ करेंगे, ख्वाब हो अच्छी अच्छाई हो या फिर बुराई हो। अब इसमें उन्होंने मेहनती नहीं कह के उनकी बुराई बुरी बात कर दी है बयान, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि एडजेक्टिव किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई को बयान करते हैं, उस वर्ड को हम बोलेंगे एडजेक्टिव। सेवन क्लास हमारा ये टॉपिक इधर ही क्लोज करते हैं, हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ प्रीपोजिशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।